हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई जिसका सबको वेट था भाई, वो आ गया है भाई साहब, XUV300, जिसको XUV3XO बोल रहे हैं भाई, वो फाइनली काफ़ी उसके टीज़र्स और रिवील हो चुके हैं। महिंद्रा उसको अब धीरे धीरे रिवील कर रही है भाई, सारे टीज़र्स लॉन्च हो रहे हैं। और उसके साथ ही भाई इनका 29 अप्रैल को, मतलब 2 दिन बाद भाई, ये अपनी गाड़ी को ऑफिशियली रिवील कर देंगे। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, महिंद्रा ने इसका नाम XUV300 से XUV3XO कर दिया है। अब वो हमें नहीं पता, पर मैं आपको आगे चल के एक चीज़ बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये गाड़ी इस नेक्सॉन वगैरह के सेगमेंट को छोड़ के क्रेटा वाले सेगमेंट में एंटर करने वाली है, ऐसा मुझे डाउट है। पर चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। भाई चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हर चीज़ बताऊंगा, डिज़ाइन से लेके इंटीरियर्स वगैरह हर चीज़, और लास्ट में आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा भाई साहब कि इसका एस्टिमेटेड प्राइस क्या रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। भाई अगर हम इसके फ्रंट फेशिया से अगर हम इस गाड़ी की बात करेंगे ना भाई, सबसे पहले इसके आ जाते हैं हेडलैम्प्स। भाई कितने प्रीमियम लगते हैं इसके हेडलैम्प्स, बिल्कुल यू सी शेप बनाते हैं। महिंद्रा इनको स्ट्राइकिंग LED DRLs के साथ बोल रहा है, और इसमें आपको प्रोजेक्टर और एक रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। अगर हम इसकी ग्रिल की भी बात करें ना, वो भी काफ़ी प्रीमियम। भाई अगर इसकी ग्रिल की बात करूँ भाई, बिल्कुल इलेक्ट्रिक जैसी ग्रिल लग रही है, मैं कवर्ड ही लग रही है, हम इस फोटोज़ को देख के बेटर बता तो नहीं सकते, पर अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल कवर्ड सी लग रही है, प्रीमियम फील दे रही है पूरी इसकी ग्रिल। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में आ जाए भाई, अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में आ जाए ना, आपको बिल्कुल XUV300 वाला एक साइड से कर्व वाला डिज़ाइन मिलेगा। बाकी और फोटोज तो इसमें क्लियरली है नहीं विजिबल, बट ये साइड से काफ़ी हद तक XUV जो अभी आ रही है ना, उसी की तरह लगने वाली है। भाई अगर मैं इसके अलॉय व्हील्स की बात करूँ ना, वो भी आपको लेयर्ड अलॉय व्हील्स फिनिश में मिलने वाले हैं। पीछे से अगर आप देखोगे ना भाई, इसकी टेल लाइट्स बिल्कुल कनेक्टेड हैं, जो कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है भाई। पूरी गाड़ी में पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलने वाली हैं, जो एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी कनेक्टेड है। ये मेरे को काफ़ी प्रीमियम फील हुई सच में यार। और यहाँ पर आपको XUV3XO की भी बैजिंग मिल जाएगी विद ट्विन स्पीक लोगो के साथ। भाई ओवरऑल अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ, वो काफ़ी अच्छा है भाई, महिंद्रा ने काफ़ी काम किया उस पर। बाकी अब हम करते हैं भाई इसके इंटीरियर्स और इसके फीचर्स की बात। भाई अगर इसके इंटीरियर्स की बात करेंगे ना भाई, एक तो आपको वाइट और एक ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलने वाला है, ड्यूल टोन फिनिश में मिलेगा, और इंटीरियर्स का काफ़ी प्रीमियम लग रहा है भाई। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ, वो भी आपको लेदरेट सीट्स मिलने वाली हैं भाई। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करोगे ना, वो भी आपको भाई 10, 10.5 या 11-12 इंच का भी हो सकता है भाई साहब। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल ही मिलेगा भाई। अगर मैं बात करूँ इसकी AC की, वो भी आपको ड्यूल टोन मिलने वाला है भाई। पूरी गाड़ी में ना आपको फीचर्स की कमी मिलने ही नहीं वाली है भाई, पूरी गाड़ी में फीचर्स ही फीचर होंगे। और अगर मैं बात करूँ भाई, इसमें सनरूफ भी आने वाला, वो भी भाई छोटा मोटा नहीं भाई, फुल स्काई रूफ आएगा भाई साहब। पूरी गाड़ी को भाई, मतलब पूरी गाड़ी सनरूफ से भर जाएगी। इस वजह से भाई मैं बोल रहा था कि भाई ये जो सनरूफ की वजह से ना, इन्होंने इसमें एक लाइन लिखी थी, लार्जेस्ट स्काई रूफ इन द सेगमेंट। इसका मतलब यही है भाई, क्रेटा और सेल्टॉस के अगर हम कंपेयर करें, उन्हीं में आपको स्काई रूफ पैनारोमिक सनरूफ मिलता है। तो इस वजह से भाई मुझे डाउट हो रहा है कि ये उस सेगमेंट में ना एंटर हो जाए, वरना ये लिख सकते थे फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ, वो भी पैनारोमिक सनरूफ। बाकी अगर मैं बात करूं भाई, इसमें आपको स्पीकर्स मिलने वाले हैं सोर्स्ड बाय हार्मन कार्डन, वो भी 7 स्पीकर्स मिलेंगे भाई। और जो ऑडियो क्वालिटी है ना, वो भाई बहुत औसम होने वाली है, बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि भाई हार्मन कार्डन JBL के स्पीकर हैं भाई, और ये जाने जाते हैं भाई इतने तगड़े स्पीकर्स बनाने में। भाई स्पीकर्स में भी आपको कोई कमी नहीं लगने वाली, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, फीचर्स की आपको 1% कमी नहीं लगेगी। और इंटीरियर भी भाई इसका टॉप नॉच है। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ ना भाई, ये गाड़ी ना अपने सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट होने वाली है, सबसे तगड़े इंजन इसमें मिलने वाले हैं, और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस होने वाली है भाई। अगर मैं इसके बात करूँ ना, एक तो आपको इसमें डीजल इंजन मिलने वाला है, जो कि 1.5 लीटर का डीजल इंजन होने वाला है, और एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होने वाला है भाई। जो परफॉर्मेंस जो जनरेट करेंगे ना, जो महिंद्रा क्लेम भी कर रहा है, ये 0 to 60 सिर्फ 4.5 सेकंड में करने वाला है। और अगर भाई इसी के साथ आप बोलोगे भाई फिर माइलेज तो मिलने नहीं वाली, भाई नहीं, महिंद्रा इस बार 20.1 की माइलेज भी क्लेम करने वाला है भाई। मतलब आपको माइलेज के साथ परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलने वाली है इस बार।
भाई। इसके अलावा इसमें आपको ADAS मिलेगा, एड्रीनॉक्स के कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे भाई साहब। स्पेस इस बार बढ़िया हो जाएगी, व्हील बेस बढ़ा दिया गया गाड़ी का, बूट स्पेस बढ़ गई है का, पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है गाड़ी में, और आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस ड्राइविंग क्वालिटी मिलेगी भाई। इसी के साथ ना ये अपने सेगमेंट में राज करने वाली है XUV3XO भाई। अगर मैं इसके साथ ही इसके एस्टिमेटेड प्राइस की बात करूँ ना, महिंद्रा हमेशा से एग्रेसिव प्राइसिंग करती है, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो आपकी XUV700 ही क्यों ना हो, भाई इसकी भी एग्रेसिव प्राइसिंग करने वाली है। मेरे को लगता है भाई ये गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी आपको 8 या 8.5-9 लाख की बेस मॉडल से, और जाएगी सिर्फ 15-16 लाख तक भाई। ये मेरे को लगता है जितना एस्टिमेटेड है भाई, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा प्राइस रखने वाले हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज भी कर देंगे भाई। पर ये ना सेगमेंट किलर है, ये अपने मेरे को लगता है ये टॉप सेलिंग कहीं नहीं गई भाई, ये इसको कोई नहीं हरा पाएगा भाई। जितने फीचर्स ऑफर करने वाली है ना, जिस हिसाब से ये परफॉर्मेंस ऑफर करेगी, जो कंप्लीट पैकेज ऑफर करेगी ना स्पेस के साथ हर चीज़ के साथ, भाई इसको हराना बहुत मुश्किल है भाई। इसी के साथ होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसी के साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई, और परसों इनका अनवील होने वाला है, उसी के लिए भी वेट करो, उसकी भी वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।